हेलो नाजरीन, मैं हूं वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और अभी जो मैं लेके आया हूं एक स्पेशल चीज़, बेसिकली एक वीडियो बनाई है इन्होंने इंडिया के अंदर पान की। हम लोग पान खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे भी बड़ा दस्तूर है पान खाने का, पाकिस्तान की साइड पे भी। तो बेसिकली हमने जो महंगे से महंगा पान खाया वो 50 रुपये का खा लिया होगा, 60 रुपये का खा लिया होगा, बड़ा मज़े का होता है। लेकिन यहाँ पे एक पान की बात हो रही है इंडिया के अंदर जो मिल रहा है, जिसमें गोल्ड डलता है, सोना, और 24 कैरेट गोल्ड। ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं किस तरह का पान है ये, और इतना महंगा पान खाने वाले लोग भी अलग ही होंगे और खिलाने वाले भी अलग होंगे। चलिए देखते हैं किस तरह का। इसको सोने का वर्क कहते हैं अमर जी, और ये प्योर सोने का वर्क है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड जिसको आप बोलते हैं। आपके लिए स्पेशल लग्जरी। धुआं निकल रहा है अभी हमें यामोस पंचायत में। तो नमस्ते अनु जी। नमस्ते अमर जी, आपके लिए बहुत ही नायाब स्पेशल आदाब पान। हम लोग इसमें आपके लिए स्पेशली चूना कत्था कुछ नहीं लगा रहे। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी इसमें खुशबू डालते हैं। सबसे पहले इसमें डाली गई है खुशबू। अब इसमें ना आपके लिए बहुत अलग अलग तरीके की कुछ चटनियां हम यूज कर रहे हैं। चटनियां, स्ट्रॉबेरी चटनी, हाँ, जिससे पान का ना एक मस्त सा मुंह में अलग सा फ्लेवर आएगा, जो कि आपको ना आप जज नहीं कर सकते कि ये वाला फ्लेवर है या ऐसे है। It's going to be a blend. अगर मतलब मैं बिना मेकिंग ना देखूं तो मेरे को समझ नहीं आएगा क्या टेस्ट आने वाला है। सही बात। ये रात की रानी है। अच्छा, रात की रानी एक फ्लावर होता है, फूल होता है, और उस फ्लावर खुशबूदार होता है, बहुत सेंस है, वो हमने इस चटनी में यूज किया हुआ है। कोई केमिकल या जो एक नॉर्मल एसेंस को अक्सर लोग केमिकल की तरह यूज कर लेते हैं, नहीं नहीं ये केमिकल नहीं, नेचुरल हुआ उसका एक जिस्ट। रात नेचुरल चीजें डलती है। इसके बाद इसमें खस है। हाँ जी। तो स्ट्रॉबेरी डल चुका है, रात की रानी डल चुका है, और अब फिर इसमें खस। अनु जी ये और बताइए, जो यामोस पंचायत है वो कब से है सिटी में? हम लोग यामोस पंचायत जी आपकी सेवा में हाजिर है, 27 साल हो चुके हैं। हमने अब चांदी वर्क यूज किया है, अब हम डाल रहे हैं ड्राई डेट्स। चांदी का वर्क भी डाला है। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे पहले खोपरा, अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। अब इसमें सौंफ डाली जा रही है। यस, इसको लैविश बनाने के लिए हम आपके लिए कुछ लैविश इंग्रेडिएंट्स लाए हैं। देखिए ये ना सुपारी है जिसको हमने सिल्वर से कोट किया है। तो इसमें पहले भी आप देख चुके हैं सिल्वर के 3 वर्क लग चुके हैं। हाँ जी, ये एक नया अपर लेवल ऑफ लग्जरी है जी ये पान। अब ये देखिए जिंतान है, एंड जिंतान आपके माउथ में फ्रेशनेस लाएगा। ये सौंफ है सिल्वर कोटेड, यस, चांदी वर्क। अच्छा, अब एक आपको और बहुत अच्छी सी लग्जरी दिखाते हैं जी, जिनको बहुत लग्जरी पसंद है। ये देखिए गाइस, ये इसमें गोल्ड कोटेड इलायची भी जा रही है। ओए, गोल्ड कोटेड इलायची यार, लेवल अप कर लग्जरी। लग्जरी पान आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये है द लग्जरी पान, द लग्जरी पान, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। और अभी शुरुआत हो रही है, नहीं मिलेगा भाई पाकिस्तान में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा सबसे जबरदस्त इंग्रेडिएंट, एंड दैट इज कॉल्ड गुलुकन। ये गुलुकन जी रोज पेटल से बनता है, और ये हमारे पेट को बहुत ठंडा रखता है। अमर जी आपके लिए स्पेशली आदाब पान बन रहा है, और हमने सोचा है कि इसमें आपके लिए एक स्पेशल चॉकलेट भी हम इसमें पुट करें, सो दैट यू कैन एंजॉय लिटिल बिट ऑफ चॉकलेट इंग्रेडिएंट। और ये पान टेस्ट एंड लग्जरी, मतलब लग्जरी के साथ साथ आपको खाने में भी मजा आएगा। अब हमारे पान को फोल्ड किया जाएगा। और अब इसके ऊपर आ रहा है इसका सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है वो गोल्ड। ये क्या चीज है मैम? इसको सोने का वर्क कहते हैं अमर जी, और ये प्योर सोने का वर्क है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड जिसको आप बोलते हैं, 24 कैरेट गोल्ड, सोने को पीस के जो बनाया जाता है। और इसके ऊपर ये लगाया जा रहा है, इसमें क्या है, फेरेरो रोशे, कीवी, पाइनएप्पल और चेरी। ना, फेरेरो रोशे चॉकलेट, कीवी और चेरी। इसमें लगाया जा रहा है केसर का पेस्ट, केसर, केसर की चटनी, केसर। अगर आपको लगता था गोल्ड कम था, तो ये आ गई है गोल्ड कोटेड इलायची इसके ऊपर, ये आ गया है प्योर केसर। तो ये है इंडिया का सबसे लग्जूरियस पान, प्योर केसर, स्पेशली फॉर अमर जी, फ्रॉम अस, फ्रॉम यामूस पंचायत, इंडियाज वेरी फर्स्ट पान पार्लर। दिस इज गाइस वन लेवल अप, इनफैक्ट अमर जी ने जो बोला 2 लेवल अप लग्जरी, दिस इज लग्जूरियस पान। ये है पान, अगर आपको पान खाना है तो ये है पान।
तो ये देखिए हमारा पान आ चुका है, अब इसे खाकर देखते हैं। इंडिया का सबसे लग्जूरियस पान है, खा के तो बराबर हो जाएगा। चलो इतना लग्जूरियस पान है तो उसको महसूस करने करूं पहले मैं, उसके बाद बताऊंगा टेस्ट कैसा है। बहुत देर में खाना चाहिए, एकदम निकल लेगा तो बेकार। पान दिखने में था, टेस्ट में उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा। और अगर मैं यहाँ के पान की तारीफ करना शुरू करूंगा वीडियो आधे घंटे लंबी हो जाएगी। सही बात है। फिर भी आपको शॉर्ट में तीन चार चीजें जरूर बताऊंगा। आप पूरे इंडिया में किसी भी पान खाने कहीं भी चले जाइए, पान के ठेले पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी शॉप पर, यहाँ से हाइजेनिक पान आपको हाइजेनिक होना बहुत जरूरी कहीं मिले तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। पान में यही मसला होता है, हाइजेनिक नहीं होता। इतना टेस्टी पान यहाँ पे मिलता है, उतना टेस्टी पान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत हाइजेनिक तरीके से बनाया है। कोई भी पान खाइए, पान की बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। कोई ऑलमोस्ट 50 फ्लेवर्स तो वो है जो ये फ्रेश आपके सामने बनाते हैं, और उसके अलावा 50 फ्लेवर्स बनाते हैं। और आप बच्चों के लिए या यूथ के लिए फ्लेवर्ड पान भी है, चॉकलेट पान, लड्डू पान, काफी सारे पान है। और आप इनका कोई भी पान खाएंगे आपको पान खा के थूकना नहीं पड़ेगा, स्पिट नहीं करना है, पूरा आपके मुंह में मेल्ट होना है, सब कुछ बिल्कुल मुंह में मेल्ट हो जाएगा, आप खा लोगे इजीली उसको। और जितने इंग्रेडिएंट की यूज करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, सब नेचुरल हैं, सब आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो अगर आपको पान पसंद है, सब कुछ छोड़िए, सीपी आइए या मुझे पंचायत में जाना चाहिए, यहाँ पे आप पान खाइए और मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके बाद आप मेरे को थैंक यू बोलोगे ये जगह रिकमेंड करने के लिए। और अगर आपको पान नहीं पसंद है फिर तो आपका यहाँ खाना बनता है, जो भी आपके दिमाग में पान को लेकर परसेप्शन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आपने एक बार यामुज पंचायत पे पान खा लिया। अरे सब तो सही है, प्राइस तो बता दो। प्राइस नहीं बताया आखिर तक, आदमी जरा देखभाल के जाता है ना कि भाई इतने पैसे हैं, इतने हैं, यूं है, ऐसा ना हो दुकान में जाए जलील होकर बाहर आ जाए, क्योंकि सोने का वर्क भी डल रहा है सब कुछ। वैसे वहां पे वैरायटी आए ऐसा नहीं होगा, पूछ सकते हैं भाई ये सोने वाला कितने का है, तो वो कह देगा भाई इतने का है, अच्छा ठीक है वो बाद में खाएंगे, खाया हुआ है। दूसरा वाला दिखाओ, हाँ अच्छा अच्छा ये कितने का है, हाँ ले आओ भाई ये दो ले आओ बच्चों के लिए, तीन ये ले आओ, इस तरह कर सकते हैं। अच्छा वैरायटी है वहाँ पे तो इतना मसला नहीं होगा। पान बहुत मजे का था इन्होंने, मेरे ख्याल में ये बेस्ट पान था जो इन्होंने अभी दिखाया, जो कि शो किया है कैमरे के अंदर, बड़े तफसील से बता नहीं पाता हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे डालते हैं, और बड़े स्लो में स्लो बनाया है पान वैसे बहुत फास्ट बनते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो चल रहा था तो उस वैसे इन्होंने स्लो बनाया। सही रहा, बड़े मजे की रेसिपी है। पान तो हम भूल चुके हैं, पान को जो है ना हम लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया, कई चीज़ों में पड़ गए हैं, पेस्ट्रियाँ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, चॉकलेटें हो गई, खपाव वाली कहानी बहुत हो गया, मिठाई हो गई, पान जो था उसको हम पीछे छोड़ चुके हैं। ये अब ये कि दोबारा से अगर इस तरह ये लाएंगे तो एक दोबारा एक ट्रेंड बनेगा पान का, बहुत मजा आएगा। चलें गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।